देखो वहाँ देखना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी थर्ड वीडियो कनाडा सीरीज की, जिसमें कि मैं विनोद को बता रही हूँ कि कैमरे से कैसे फ्रेंडली होना है, कैसे बात करनी है, क्योंकि वो थोड़ा स्लो चलता है। तो उसी का मतलब पार्ट है ये, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोले ताकि ऑडियंस बोर ना हो। तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे, वैसे तो आपको पता चल गया होगा टाइटल से, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। तो आज की वीडियो में हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हमें जो है ना कंसल्टेंट ने कैसे 1,00,000 का चूना लगाया पीआर के लिए, कनाडा की पीआर के चक्कर में हमें कैसे हमारे 1,00,000 जो है वो बर्बाद हुए, खराब हुए। हाँ, हमारे तो हो गए, और आप कैसे बचा सकते हैं, आप कैसे बचा सकते हैं। यस, बात ये है, पॉइंट भी पॉजिटिव। तो आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं वो हम शेयर करेंगे। एंड इसमें खैर हम किसी का नाम तो नहीं ले सकते कि, बट हम सिर्फ ये बोलेंगे कि आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। जैसे थोड़ा सा हमने तरह रिसर्च किया था, बट उसके बाद भी हो ही गए, तो सबके साथ होता है ये। हम भी चूना लगता था वो लग गया, बट हो सकता है हमारे वीडियो से आपको बेनिफिट मिल जाए। तो चलो आज की जो सीखने की चीज है उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे 40 के राउंड है, जो भी 35 प्लस है उनके लिए एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू जाना पॉसिबल है नहीं, इतने पॉइंट्स बनते नहीं है। तो अगला जो स्टेप होता है, पहले तो थोड़ा सा जंप कर जाते हैं, बिल्कुल जंप कर जाते हैं, तो वहां से शुरू करते हैं। एक्चुअली कनाडा में एंटर करने का जो सबसे पॉपुलर तरीका है वो है, जिनको एक्सपीरियंस है जो 26 या 30 का राउंड है, तो उनके देखो जो भी कनाडा से रिलेटेड वीडियो देखेगा वो जानता है एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू ना, इतना तो सब अवेयर है, और हम पिछली वीडियो में बता भी चुके हैं। हाँ, बट एक ऑडियंस अगर हम जैसे स्टार्ट करेंगे तो हम कैसे, हमें पता चलेगा अगर हम नहीं जानते हैं। तो कनाडा में एंटर करने का जो एक पाथ है वो है पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी लेके जाना, उसके थ्रू मतलब आपका बहुत कम पैसे लगते हैं। पीआर नहीं, एक्सप्रेस एंट्री, एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आप पीआर मिल जाती है आपको। हाँ, पीआर मिल जाती है, लेकिन वो रहती है आपकी 30 के एज वालों के लिए, सही है, जो कि आजकल जो ड्रॉ चल रहा है एक्सप्रेस एंट्री में होता है, हाँ, नियर, निकलता नियर, है नियर 500 के नियर रहता है, तो इतने पॉइंट्स बनते नहीं है। जैसे अगर हम अपनी एज के अकॉर्डिंग बात करें तो 350-400 के बीच में दम तोड़ देते हैं, खत्म। तो जो लोग होते हैं 35 के अराउंड या अबाउट 35 होते हैं, तो जो कनाडा जाना चाहते हैं वो लोग सोचते हैं कि हम एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल लगा दें, तो उन लोगों के लिए है। तो हमने भी यही सोचा था जब हमने कनाडा जाने का सोचा, हमने किसी से कंसल्ट किया और उसने ही हमें इस कंसल्टेंट का, जिसे कि हमें 1,00,000 का चूना लगाया है, उस कंसल्टेंट के पास भेजा था। बहुत अच्छा नाम है, ऐसा नहीं है कि खराब है। हाँ, दिल्ली का ही कंसल्टेंट है, काफी रिप्यूटेड है, काफी नाम है, काफी एक्चुअली मैंने रिव्यू भी उसके चेक किए थे, काफी रिव्यू मैंने उसके लिए पढ़े, तब तक कोरोना टाइम से पहले के उसके सारे रिव्यू एकदम पॉजिटिव थे। आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो नेगेटिव ही भरे पड़े हैं, आपको पॉजिटिव नहीं मिलेंगे, पॉजिटिव सिर्फ उसके चैनल पर ही मिलेंगे उसकी वीडियो में, बाकी लोगों के बहुत ही नेगेटिव है, क्योंकि चुना लगा है तो ऑब्वियसली सब अपने रिमार्क्स डाल रहे हैं वहां पे, और नेगेटिव है, अगर गलत हुआ है तो गलत ही डालेंगे, उससे पहले पता नहीं क्या था, जो भी है। वैसे भी लोगों ने काफी मतलब वीडियो जो है कोरोना टाइम में यूट्यूब पे बहुत सारा आपको मतलब मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, उससे पहले इतना लोग अवेयर नहीं थे, बहुत सारी फ्री टाइम में लोगों ने वीडियो बनाई है, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, खूब सारा ज्ञान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, अपना रिसर्च करनी चाहिए, देखना चाहिए, वो है, पहले नहीं था। हमने भी कोरोना टाइम में काफी वीडियोस देखी थी उसी के चलते, धीरे धीरे माइंड मेकअप हुआ हमारा और हमने डिसाइड किया। तो हम अब आते हैं मुद्दे की बात पे, कंसल्टेंट के पास गए, कंसल्टेंट ने जो हमें जिस तरह से बताया, इस तरह से हम इतने खुश हुए उससे मिलने के बाद, तो जैसे हम कनाडा ही पहुंच गए, कूद ही रहे थे एक तरह से हम। तो हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी फैब में, हमने माइंड मेकअप किया फैब में और कंसल्टेंट के पास गए थे हम मार्च में, और हमें याद है कि होली से 2 दिन पहले ही गए थे हम, 2022 में गए थे हम, होली से 2 दिन पहले उस कंसल्टेंट के पास गए थे। तो फिर उस कंसल्टेंट ने हमें बताया कि एक्सप्रेस एंट्री में जो पॉइंट्स है, जो कि 480, 490, 500 ऐसे आ रहे थे, कट ऑफ ये चल रहा था एक्सप्रेस एंट्री का, तो उसमें तो हमारे बन ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमारे जो पॉइंट थे वो शायद 380 या 350 के अराउंड थे हमारे, तो वो तो एक साफ साफ दिख रहा था कि हमारा वहां पे नंबर नहीं आने वाला है। तो फिर कंसल्टेंट ने बहुत अच्छे से बताया हमें कि आप पीएनपी नाम का एक प्रोग्राम होता है और उसके थ्रू आप बस बैठ गए कनाडा। उसने बस ऐसे बताया कि बस पहुंच गए हम, तो कनाडा पहुंच गए हैं।
तो ऐसे ही बताते हैं, और ये चलो जरूरी भी होता है क्योंकि आपको एक पॉजिटिव वाइब्स देना बहुत जरूरी होता है, इम्पोर्टेंट होता है, बट बेवकूफ बनाना और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो कि हमें समझ में नहीं आया। तो उसने बताया, इसमें हमारा भी है कि हम रिसर्च नहीं कर पाए क्योंकि हमें पता नहीं होता है। हाँ, पता नहीं था कि हर आदमी का अपना एक जॉब कोड होता है, जो प्रोफाइल होती है कोडिंग उसका, मतलब जो सबको पता ही होगा, मतलब जो भी कनाडा के बारे में जानता है कि वहां पे जॉब कोड है ABCD, अब तो वो चेंज हो गए हैं, खैर Tier 1 Tier 2 ऐसे करके। तो जो अब सबका अपना जो जॉब है वहां पर ना जॉब कोड होता है, तो जो भी हमारा जॉब कोड था हमने उसके बारे में कोई रिसर्च नहीं की। हमें बताया, बात आते हैं इस बात पर कि कंसल्टेंट कैसे आपको PNP का सपना दिखाते हैं, कैसे आपको कनाडा पहुंचा देते हैं। PNP में वो कहते हैं कि उस PNP होता है प्रोविंस नॉमिनी प्रोग्राम, जो कि प्रोविंस बेस्ड होता है, उनको जिस स्किल की जरूरत होती है वो उठा लेते हैं आपकी फाइल को, तो आप उनके थ्रू आप अपनी फाइल लगा सकते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है कि कंसल्टेंट आपको बताता है ये देखिए अब की बार 60 का कट ऑफ लगा था 2019 में, तो आपके तो 100 में से होते हो, हाँ वो 100 में से नंबर कैलकुलेट होते हैं, तो बताते हैं ये देखिए 60 का कट ऑफ लगाया, 61 का लगाया, 62 का, और आपके पॉइंट तो 65 बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, आपके आपके तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें ना। लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि वो 60 किसका कट ऑफ था, कौन सा जॉब कोड था, किसको बुलाया था, किसको कौन किसी को मतलब प्रोविंस ने मतलब फाइल उठाई है, ये सब नहीं बताते। वो सिर्फ ये बताते हैं कि 60 का कट ऑफ लगा हुआ है, कट ऑफ लगा, हमें भी नॉलेज नहीं होती है आप कि भाई ये कट ऑफ किसका लगा, ये सोचते हैं कि हाँ 60 का कट ऑफ लगा तो जिस जिसके 60 से ऊपर बने वो सबको उन्होंने फाइल को उठा लिया या इन्विटेशन दे दिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें ये चीज कब पता चली, मार्च से लेकर के जाके दिसंबर में हमें ये पता चला कि हमारे जॉब कोड का कुछ नहीं हो सकता है इसके, एक्चुअली सिर्फ हमारा जो जॉब कोड था, आपको भी इसी तरह रिसर्च करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि मैंने दिसंबर में डाटा अपना उठा करके IRCC का जितने भी ड्रा निकले थे पीछे तक रिसर्च की, पता चला कि सिर्फ सस्केचवन में ही निकला है, 2019 में ही निकला, और निकला था काफी बार, ये भी नहीं कि एक बार निकला था, 13 बार हमारा वो निकला, उसमें जाके पता चला कि निकला तो है लेकिन बाहर वालों के लिए नहीं था, वो उन्हीं के लिए था जो ऑलरेडी कनाडा में इन कनाडा में रहते हैं। एक्चुअली हाँ। होता क्या है कि इसमें आपको 60 में से वहां पे कट ऑफ लगता है 61 का 62 का, उसमें आपको बहुत सारे जॉब जो स्किल्स होते हैं, बहुत सारे जो कोड होते हैं वो बुलाए जाते हैं, तो उसमें मोस्टली आ रहा था इतना कट ऑफ मोस्टली लगता है उनके लिए डॉक्टर्स के लिए, मतलब मेडिकल स्टाफ के लिए, या फिर बिल्कुल ही जैसे कि प्लम्बर वेल्डर उस तरह से होता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जॉब कोड क्या है और उसकी कट ऑफ कहाँ तक जाती है, ये ना कि कंसल्टेंट के कहने पर कि देखिए इस प्रोविंस में 60 का कट ऑफ लग रहा है, इस प्रोविंस में इतने पॉइंट पे आपको इनविटेशन आ जाएगा इतने से ऊपर, ऐसा नहीं है। एक्सप्रेस एंट्री में ये है कि जिसके भी 480 का कट ऑफ लगा तो 480 से ऊपर चाहे कोई भी जॉब कोड वाला है कोई भी है, किसी के जिसके भी इतने होंगे उसको इन्विटेशन आ जाएगा। अब तो शायद वो भी Bill 19 आया है, वो भी चेंज हो गया है, बट हम बात कर रहे हैं उस टाइम की। उसने एक्चुअली हमें बोला था कि इतने का कट ऑफ लगेगा, हमारा 64 या 65 जो है ना हमारे पॉइंट थे वो बन रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा आ जाना चाहिए था नंबर, लेकिन वो जो जॉब कोड था हमारा, जैसे मैं अकाउंट से हूँ अकाउंटिंग बैकग्राउंड से, तो अकाउंटिंग बैकग्राउंड वालों का जॉब कोड तो आ ही नहीं रहा था, जिसके लिए हमने मार्च से लेकर और दिसंबर तक वेट किया। हमारे हमें ये था कि 67 पॉइंट बनाने हैं, उसके लिए विनोद को देना था आईएस क्योंकि इसके नंबर भी उसमें ऐड होते हैं, तो जब इसका नंबर आया देने का आया तो उसने सोचा पहले रिसर्च करता हूँ कि इतने महीने हो गए हैं हमारा तो जॉब कोड आया ही नहीं है, वो एक्चुअल में निकलता भी है या नहीं निकलता है, तो फिर रिसर्च करने के बाद पता चला कि हमारा जो जॉब कोड है वो तो निकला ही नहीं है इस साल, तो निकला नहीं है। वो 2019 दिसंबर में जब मैं ये रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि जब से अब जून से स्टार्ट हुई थी दोबारा से ड्रा आना, जिसमें एक्सप्रेस एंट्री और PNP, तो दिसंबर में जब मैंने देखा कि हमारा सस्केचवन में हमारी जो जॉब कोड है उसका निकला है, लेकिन उसका कट ऑफ देखा तो था 84। इंडिया में रहते ये पॉसिबल नहीं है कि आपके मार्क्स मैक्सिमम 70 तक ही वो बन पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। वो तभी बनते हैं जब आपके पास आप वहां पर कनाडा में ऑलरेडी हो, आपके पास या तो कनाडा का एक्सपीरियंस या एजुकेशन या फिर आपका कोई रिलेटिव है तो भी वो बन सकते हैं, लेकिन हमारा तो इस सिनेरियो में कुछ भी था ही नहीं, तो
कोई चांस ही नहीं था, तब हमें एहसास हुआ कि कोई फायदा नहीं है। तो फिर हमने प्लान किया कि नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, तब हमने डिसाइड किया था कि हम स्टडी के बेस पे उस बैच में था क्या कि जब हम लोगों ने कोई पता चला कि नहीं हमारा तो है ही नहीं, यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं क्योंकि 80 तो आपके बन ही नहीं सकते हैं। तो फिर हम गए वापस अपने कंसल्टेंट के पास क्योंकि उसको हम पैसे दे चुके थे पहले ही, उसने पैसे ले लिए थे क्योंकि वो बॉन्ड साइन होता है तो स्टार्टिंग में अपना सारा पैसा ले लेते हैं और उस पर साइन वाइन और सारे टर्म एंड कंडीशन होती है जो ऑब्वियसली हम इतना डीपली पढ़ते नहीं है सब चीजों को। फिर जब अपने जाकर के उसको बोला कि भाई तूने तो हमें बेवकूफ बनाया है, हमारा तो निकल ही नहीं रहा है, तो फिर उसने बोला कि देखो निकलता तो है। फिर हमने उससे पूछा कि आप बताओ कब निकलता है, ये निकलता है तो उसको खुद ही नहीं पता था कि निकलता है। मैंने कहा कि आपने हमारी फाइल को क्यों पिक किया, क्या आपको पता है हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कब कब निकला, क्या आपको पता है? उसके पास कोई जवाब नहीं था। और जब आपको पता ही नहीं है तो उसका कहना था कि ये थोड़ी पता चलता है कनाडा में कब किस स्किल्स की रिक्वायरमेंट आ जाए और कब किस का डर आ जाए, ये तो हम ये तो प्रोबेबिलिटी है। मतलब उसका कहना था कि हम बैठे रहे इस चीज के लिए कि कभी तो हमारा नंबर आएगा और कभी तो 60 पे जाएगी अकाउंटिंग वाला, कभी तो नंबर आएगा। जबकि जो था जबकि जो ड्रो निकले थे पहले वो भी इतना हाई पॉइंट पे था, उसको खुद ही नहीं पता था कितने हाई पॉइंट पे निकला, उसने खुद रिसर्च नहीं किया था। लेकिन उनको पता होता है कि जो 60 कट ऑफ जाती है वो कौन से वालों के किस जॉब कोड के लिए जा रही है, क्योंकि उनको सब कुछ पता होता है। लेकिन वो आपकी जॉब प्रोफाइल को नहीं देखेंगे, वो बस आपको दिखाएंगे इतने का कट ऑफ जाता है और आपके पॉइंट तो ज्यादा बन रहे हैं तो आपका तो बस नंबर आ ही जाएगा। जब भी 60 का 61 का 64 का कट ऑफ लगेगा तो आप तो बस पहुंच गए, आपको तो आ गया इनविटेशन। और ये बात हमने उससे दो से तीन बार कंफर्म की थी सेम जब हम गए थे मार्च में, हम उसके पास होली के पास गए थे, फिर उसके बाद बार बार पूछा हमारे जॉब कोड का कोई स्कोप है नहीं है, स्कोप है क्यों नहीं है, क्योंकि हमें ये था कि पता नहीं है या नहीं है, हमें ये नहीं पता था निकलती या नहीं निकलती, लेकिन हम ये श्योर करना चाह रहे थे कि भाई है ना हम अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं देख लो। तो उसका मुझे आंसर याद है कि मैं जब निकलते हुए मैंने उससे पूछा कि सर मेरे जॉब कोड का है ना ऑप्शन, तो उसने बोला कि आप एक बात बताओ अकाउंटिंग किस फील्ड में नहीं है, किसी भी कंपनी को ओपन करोगे तो अकाउंट वाला बंदा चाहिए, कोई भी रेस्टोरेंट ओपन करोगे कुछ भी ओपन करोगे सीधी सी बात अकाउंटिंग का बंदा तो चाहिए। चाहिए, चाहिए। लेकिन भाई वो रिक्वायरमेंट वहीं पे पूरी हो जाती है ना, हम इंडिया से क्यों बुलाएंगे अकाउंटिंग वालों को, तो ये चीज नहीं बताई उन्होंने, जबकि ये चीज उनको खुद पता होती है कि इतना पॉइंट है और ये मेडिकल वालों की रिक्वायरमेंट है या प्लम्बर की या इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है, अकाउंट वालों की इंडिया से या कहीं से और बाहर से हायर करने की उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। निकलती है 80, 84 पे 70 पे निकलती है, जो कि आप अगर कनाडा में हो तभी वो पूरी हो पाएगी, यहाँ से नहीं उठाते हैं। तो बात यहाँ अकाउंट की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि आपको अपना खुद से देखना पड़ेगा कि आपका जॉब कोड क्या है और उसकी क्या वहां पर रिक्वायरमेंट है, उसका अगर आपके एक्स्ट्रा सेंटरिंग में पॉइंट बन रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यदि आप पीएनपी का सपना कोई कंसल्टेंट आपको दिखाता है ठीक है, या आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या उसका डरा किस किस प्रोविंस में कब कब निकला है और किस कट ऑफ पे नॉमिनेशन आए हैं। आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी किसी पे रिलाय मत करना में ना आए नहीं। और जबकि बहुत मतलब एक वो होता है ना हाई लेवल का कंसल्टेंट है ये, आज से नहीं है बहुत पहले से है और किसी ने बताया था हमें तभी हम वहां गए थे क्योंकि उसने बोला था कि अगर आपको पीआर के थ्रू जाना तो इस कंसल्टेंट के पास जाओ, अगर आपको स्टडी के बेस पे जाना तो इस पे जाओ, तो उसने दो ही नाम बताए थे और हम उसी का बिलीव करके गए थे, उसके रिव्यू भी काफी अच्छे थे बट नहीं था। तो ऐसे किसी आंख बंद करके विश्वास मत करो, तो बाकी पैसे तो फिर वापस देते हैं ही नहीं, वो तो रूल में लिखा होता है 18% यानी 89,000 शायद बनता है इतना, मतलब वही अराउंड 1,00,000 आपको चूना लग जाता है। और जो 8-9 महीने का जो स्ट्रेस रहता है वो अलग से है, और फिर बाद में जो स्ट्रेस रहता है कि भाई 1,00,000 लूट गए हमारे, तो उसको रिकवर करने में भी टाइम लगता है। तो पैसों के साथ साथ आपका टाइम और आपका मेंटली पीस वो भी इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह से हमारे जो है ना कनाडा के पीआर के सपने के चक्कर में 1,00,000 चले गए और टाइम और मेंटली पीस था वो तो अलग था ही। फिर हमने दूसरे जो चीजें हैं जो स्टूडेंट वाला है वो फिर हमने चूज किया था और उसकी जर्नी शेयर कर चुके हैं, बाकी आने वाले वीडियोस में भी शेयर करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कोई और कुछ पूछना चाहता है कोई भी तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं जो नॉलेज होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे गेन की है वो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, या कोई ऐसा टॉपिक जिसपे आप चाहते हो कि वीडियो बने तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो, थोड़ी सी लंबी हो गई है बट एक जर्नी हमारी। नॉलेज नहीं है कंसल्टेंट के पास जाते हो तो जाओ, जाते उसको पेमेंट करके मत आओ, अपना टाइम लो, रिसर्च करो, उसके बाद डिसाइड करो,
क्योंकि हमारा एक एज का भी एक एज फैक्टर भी हो जाता है कि हाँ भाई हमारी इतनी एज, हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते, 40 क्रॉस हो जाएगी, ये हो जाएगा, उसके चक्कर में हमने थोड़ी जल्दबाजी भी की और शायद हम रिसर्च भी नहीं कर पाते, मतलब हम सोच भी नहीं पाते, ये चीजें होती भी नहीं, अगर ये सब मतलब चूना नहीं लगता तो हम इतना ज्यादा रिसर्च भी नहीं करते, तो वो चीजें भी हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको सीखने को भी मिलती है। अकेले हम नहीं है, हमने जो कंसल्टेंट जिसके थ्रू मैंने स्टडी वीजा लगवाया है वो बेचारे खुद वो कंसल्टेंट ने पैसे अपने गवाए हुए हैं इसी चक्कर में तो सेम हमारे पीआर के चक्कर में, तो सेम हमारी स्टोरी भी यही है, तो उनका भी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। अगर आप उनके साथ बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनके साथ बनाए, नहीं तो उनके लिए जरूर बनाएंगे, उनका चैनल वगैरह सब आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले वीडियोस काफी अच्छी होंगी। तो चलो फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।